अच्छा जी, हमजा प्रेजेंट है। मुझे लग रहा है कि इस मतलब ना एक आधे स्टूडेंट को छोड़ के जो थर्ड सेमेस्टर के अलावा जो फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, वो किसी का भी शायद अगले सेमेस्टर में पढ़ने का इरादा है। इस सेमेस्टर में जो है वो किसी का भी इरादा नहीं है कोर्स पास करने का। हारून रशीद यस सर। जी बेटे, बताओ केस थ्री क्या होगा? तो केसरी में अगर पॉइंटेड टू लेफ्ट नल है केस थ्री क्या होगा? वैसे मुझे एक जनरल मतलब ट्री में से बता दो कोर्ट को छोड़। तो कि उसकी जो लेफ्ट वाली नोड है अगर वो नल हो हाँ और सर, सही और कह रही हो, साथ ठीक में सर राइट वाली नल ना हो। है। तो ट्री के अंदर ऐसी कौन सी नोड्स बन रही है? तो लीफ नोड है हमारे पास। मेरा हाइपोथेसिस ठीक ही है इसका मतलब है जी। मुकद्दस साहब बताओ बेटे, ट्री में ऐसी कौन सी नोड्स बन रही हैं? सर एक तो तो जो 80 ये वाली, छोटी ठीक वाली जो है, हमारे पास है सर, 75 ठीक है, 25 और 25। सॉरी के तो दो चिल्ड्रन है ना? सर वो नहीं बनती, सिर्फ 75 बन जाती है और 80 वाली। 80 बात ये। तो लेट से हम लोगों ने जो है वो 80 को जो है वो डिलीट करना है। तो 80 को हम लोग जो है वो कैसे डिलीट करेंगे कि हम लोगों के पास शुरू में पॉइंटर और रूट जो है वो हमारे पास एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। देखा हमारे पास 80 को डिलीट करना है तो 80 50 से बड़ा है तो 50 के राइट पे आ जाएंगे। तो दैट मीन्स पॉइंटर यहाँ से हट के हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा। 50 डॉट राइट को रिप्रेजेंट करोगे, एड्रेस उसके अंदर 75 वाली नोट का पड़ा होगा। देखा 80 जो है वो 75 से बड़ा है तो फिर हम लोग पॉइंटर को उठा के राइट साइड पे ले आएंगे। तो अब पॉइंटर के अंदर 100 वाली नोट का एड्रेस आ जाएगा। पॉइंटर इटसेल्फ 75 डॉट राइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब देखा 80 जो है वो 100 से छोटा है तो फिर किधर जाएंगे? 100 के लेफ्ट साइड पे। तो अब पॉइंटर जो है वो उसके अंदर 80 वाली नोट का एड्रेस पड़ा हुआ है और इटसेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100 डॉट लेफ्ट को। मतलब पॉइंटर को चेंज करेंगे तो 100 डॉट लेफ्ट चेंज होगा। अच्छा अब ये यहाँ पे अब सही। पॉइंटर के अंदर 80 वाली नोट का एड्रेस पड़ा हुआ है। 80 इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट डेटा, हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई। अब इरेज नोड को हम लोग 80 वाली नोड का एड्रेस जो है वो पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस को बेटे चेक कैसे करेंगे? उनका सर सर पॉइंटेड ठीक है, पॉइंटर डॉट राइट नल ना हो। ठीक है, पॉइंटर डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल। अब देखो पॉइंटर के अंदर 80 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है ना, तो 80 का राइट नल नहीं होना चाहिए। तो आप इसके आगे ये लिखें या नहीं कि उसका लेफ्ट जो है वो नल है, ये लिखें या ना लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इफ एल्स इफ एल्स इफ आ रहे हैं। तो अगर इसका हमारे पास जो है वो इधर एल्स इफ के अंदर आए हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका लेफ्ट जो है वो हमारे पास नल है। एंड पॉइंटर डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो नहीं, आई थिंक ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ऐसी नोड हो जिसके हमारे पास दो चिल्ड्रन हो। उस सूरत में भी हमारे पास पॉइंटर डॉट राइट जो है वो हमारे पास पॉइंटर डॉट राइट नल नहीं होगा, पॉइंटर डॉट लेफ्ट भी नल नहीं होगा। तो ये चीज़ लिखना ज़रूरी है कि पॉइंटर डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, ये चीज़ लिखना, सॉरी, ये चीज़ जो है वो लिखना ज़रूरी है कि पॉइंटर डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, ये ज़रूरी है। ये वाली जो चीज़ है पॉइंटर डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, ये रिटर्डेंट है, ये आप बेशक ना लिखें। इसी तरह ऊपर जो है वो पॉइंटर डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये बेशक आप ना लिखें, लेकिन ये लिखना ज़रूरी होगा कि पॉइंटर डॉट राइट इज इक्वल टू नल, ये लिखना ज़रूरी होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोगों को ये पता चल गया कि 80 का सिर्फ राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है और उससे हम लोगों ने जो है वो डिलीट करना है, उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो नासिर आप बताओगे बेटे कागज़ कागज़ के ऊपर कैसे हम लोग इसको 80 को डिलीट करेंगे? ये मुकद्दस आप ही बताना चाहेंगी बेटे?
सर टेम एक टेम्पररी पॉइंटर ले लेंगे। ठीक है टेम्पररी पॉइंटर ले लिया। फिर बेटे सर हम पीटीआर स्टोर करा देंगे। मुझे अभी कागज पे बताओ ना, अभी कोर्ट पे नहीं जाओ, उसके अंदर हम लोगों ने ये 80 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवा दिया। वेरी गुड। फिर सर फिर उसके अंदर राइट वाले नोट का एड्रेस को वो स्टोर करा देंगे, फिर से डिलीट कर देंगे टाइम को। ठीक है पीटीआर को आप कह रही हैं कि हम लोग इसके अंदर ये 90 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवा देंगे, ठीक है, और फिर 80 वाली नोट को हम लोग डिलीट कर देंगे, यही कह रही हैं आप? जी सर। एक्सीलेंट वेरी गुड, इसी तरह करेंगे जी। नासिर हैं? ओके सना आप इसका कोड बताओगी बेटे मुझे? यस सर। एक टेंपरेरी पॉइंटर। ठीक है बी नोट्स डायरेक्ट टेंप। फिर सर टेंप इक्वल टू पीटीआर। ठीक है पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट राइट और डिलीट। पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर डॉट राइट, या फिर क्या लिख सकते हैं यहां पे पीटीआर इज इक्वल टू टेंप डॉट राइट। टेंप डॉट राइट दोनों ठीक होंगे। फिर डिलीट कर दें टेंप। डिलीट टेंप। ठीक है तो ये हमारे पास जो है इस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया, उसके अंदर ये 80 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवाया, फिर पीटीआर को जो है वो 80.write का एड्रेस पीटीआर में स्टोर करवा दिया। तो जब हम लोगों ने ये किया पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर डॉट राइट, या ये लिखा पीटीआर इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट, तो पीटीआर के अंदर हमारे पास जो है वो बेसिकली ये 90 वाली नोट का एड्रेस आ गया। क्यों? क्योंकि ये 80 के राइट साइड पे थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डिलीट टेम्प किया, टेम्प के अंदर 80 वाली नोट का एड्रेस था तो इसको हम लोगों ने जो है वो डिलीट कर दिया। एक्सीलेंट बेटे वेरी गुड।